वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में, और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो आप पहले कमेंट करके ये बता दो बच्चे कि आवाज़ सही आ रही है, वीडियो चल रही है, फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे, आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारा बेसिक हो चुका है, 3 क्वेश्चन भी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल्स। विभाज्यता नियम, कमेंट ऑन करो। सभी को दिल की गहराइयों से नमस्कार, प्रणाम। मानव पहली बार आए हो क्या अभी क्लास में? चलो अभी पंकज को बताओ क्लास हुई कि नहीं हुई, मुझे तो पता नहीं होता। चलो अभी इससे पहले वाली क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, नहीं तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या होता है। ओके बच्चे, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई। कमेंट को छोटा कर दो, क्वेश्चन नंबर 4 लगा दो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, नंबर दिया हुआ है जहां ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर 8947 ए 56 बी 1 9 से विभाज्य है, जहां बी एक विषम संख्या है, ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें। ओके बच्चे, जो भी प्रॉब्लम रही होगी कल बता देंगे सर, आज क्लास नहीं हुई तो आप पीछे वाला कवर कर लो जो भी आपका रहता है। विकास नमस्कार बच्चे, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नंबर आपको दिया हुआ है 8947 ए 56 बी 1। ए और बी की आपको वैल्यू पता करनी है पहले, और फिर जितने भी ए के संभावित मान हैं, पॉसिबल वैल्यूज हैं, उनका आपको सम बताना है, योग करके बताना है कि उनका योग टोटल जो है वो क्या होगा। क्लियर नहीं दिख रहा बच्चे? चलो क्लियर नहीं दिख रहा तो आप ऊपर जा करके और उसमें देख लो कि कौन से में चल रही है, 360 480 में चला लो, क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, इससे क्लियर तो अब क्या दिखेगा, चला के देखना। ये 9 से विभाजित है तो आपको पता है आपको डिजिटल सम करना है, और डिजिटल सम के लिए हम जहां पर भी 9 हो जाएगा वो काट देंगे, ये रहा 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9। ठीक है, तो यहां से क्या आया, 7 और 6 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, तो 4 प्लस ए प्लस बी, ये क्या होना चाहिए, ये 9 के बराबर होना चाहिए, या फिर ये 9 के मल्टीपल का सम के उसके बराबर होना चाहिए। आपको दिया हुआ क्या है कि जी बी कोई भी विषम संख्या है और बी एक सिंगल नंबर है, आपको यहां से दिख रहा है ना, सिंगल ये है। तो आप विषम संख्या लिखोगे, बी की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, तो 1 हो सकती है, 3, यहां लिख देता हूं 4 ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 3 5 7 9, यही हो सकती है क्योंकि एक सिंगल नंबर है और जितनी भी विषम संख्याएं इसमें आती है हमने लिख ली कि जी बी की यह वैल्यू हो सकती है। तो बी की वैल्यू अगर 1 है और 4 यहां पर है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ए कितना चाहिएगा, तो ए चाहिएगा 4, टोटल हो गया जी 9। ठीक है, यहां से 4 ये है, बी की वैल्यू अगर 3 है तो 4 और 3 7 और 2 9 हो गया, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। यहां पर 4 है, बी की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 और 4 9, तो अगर आप ए को रख दो 0 तो भी तो 9 से पूरा डिवाइड होगा,
और क्या हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है ना बच्चे, ए सिंगल नंबर है तो आप कहोगे कि जी दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, 5 और 4 9, और अगर इसको 9 भी रख दें तो 9 और 9 18, 18 का डिजिटल सम फिर से 9, तो 9 से पूरा भाग होगा, यानी 0 भी हो सकती है 9 भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू रख रहे हो ये 4 हो गया, बी की वैल्यू आपने 7 रखी, 7 और 4 11, डिजिटल सम 11 का हुआ 2, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम नहीं लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 क्या होता है 9 का मल्टीपल होता है, यानी सम 9 का मल्टीपल आ रहा है तो पूरा 9 से भाग होगा। ठीक है, यहां पर है 9 तो ये 9 तो कट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, 4 में कितना जोड़ें कि फिर से 9 हो जाए, तो 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। ओके, चलो अब आपको बताना है कि जितनी ए की पॉसिबल वैल्यू है उनका सम क्या होगा, तो आप कहोगे कि जी 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 12 27, तो टोटल कितना हुआ 27 हुआ, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, 27 इज योर राइट आंसर। अगर आपको पॉसिबल पेयर पूछे होते तो आप कहते कि जी यहाँ से 1 2 2 4 5 6, यहाँ से 2 क्यों गिने, टोटल 6 हो जाएंगे, 2 क्यों गिने, क्योंकि एक पेयर है 0 और 5, एक पेयर है 9 और 5। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 27, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, कोई मुश्किल नहीं था, चलो क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, 16 से विभाजित करना है, हमने नंबर निकाला था वो आया था 52-53 लास्ट में, और जो 52-53 आया था उसको 16 से डिवाइड करके हमने आंसर निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट अर्चो, अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है ना बच्चे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इस क्लास में, बताओ, ये तो है नहीं कि कोई दवाई है डाल के पिला देंगे आ जाएगा, पीछे वाली क्लास में ही है ना सब कुछ, जो भी मिर्च मसाला है वो पीछे वाली क्लास में, वहाँ जाके देखो, तो वो क्लास देख लेना, फिर से दोबारा यहाँ पर रिपीट कर लेना, चीज़ें समझ लो एक बार, फिर ये क्लास देखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, अगर अब ये छोड़ दोगे फिर वो भी छोड़ दोगे तो पूरा चैप्टर रह जाएगा। पर बच्चे हमें बी दिया हुआ था ऑड नंबर, तो हमें ऑड नंबर जितने भी ले सकते हैं वो हमने फिक्स कर लिए ना, तो ए की वैल्यू वहां से कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है वो हमने देख ली। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 517x324 इज डिविजिबल बाय 12, एक्स का न्यूनतम मान क्या है कि 517x324 से विभाज्य है। ठीक है, ये आपको बताना, और जब 12 से विभाज्य की बात आती है तो आपको 12 का तो नहीं पता कि क्या करें कि ये 12 से डिविजिबिलिटी का हमें पता चल जाए, तो ये क्या था x324, तो x का छोटे से छोटा मान आपको बताना। सबसे पहली बात, आपको भाग किससे करना है 12 से, लेकिन 12 के बारे में नहीं पता, आप ये कह सकते हो कि जी 4 और 3 को प्राइम नंबर, हम कोई भी दो ले लेंगे, कोई भी दो को प्राइम नंबर्स में हम इसको तोड़ लेंगे, तो अगर इन दोनों से भाग हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, 12 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो क्या ये संख्या 4 से भाग हो रही है, तो आप लास्ट वाली दो संख्याएं देखोगे, ये अगर 4 से भाग होती है तो 4 से भाग हो रही है, तो 24 तो 4 से भाग होता है, तो 4 से तो भाग हो रही है। अब इसको इस लायक बनाना है कि ये 3 से भाग हो, ठीक है, और न्यूनतम संख्या बतानी है x की, तो आप कहोगे कि जी जहाँ भी टोटल 3 का मल्टीपल हो जाए काट देंगे, 4 और 2 6 कट गया 3, और ये 5 और 1 6, तो यहाँ से बचा 7, तो 6 तक तो कटता ही है, तो 1 बचा यानी 1 प्लस x। ठीक है, तो अब आप इसको x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, तो पॉसिबल वैल्यू अगर आपसे पूछी हो तो आप कहोगे कि जी हम इसको 3 बनाएंगे सबसे पहले, तो 3 बनाएंगे तो x को 2 रखना पड़ेगा, उसके बाद में 6 भाग होता है ना पूरा पूरा, तो आप x को 5 रख सकते हो,
उसके बाद में 9 भाग होता है तो आप x को 8 भी रख सकते हो, लेकिन आपसे पूछा क्या है, न्यूनतम वैल्यू पूछी है x की, तो वो कितनी हो जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी? 2। तो आपका 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, तो 2 होगी। आप फोर्थ ऑप्शन के साथ जाओगे और वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, देखो क्या कहता है। यदि 11 अंकों की संख्या 5, 4, 3, 2, 4, 7, x, 9, 6, 8, y 90 से विभाज्य है तो 4x + 5y का मान क्या होगा, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इसी तरह से करना है, प्राइम फैक्टर आई को प्राइम नंबर हमने लिए तो और उनका निकाल दिया, हमें 90 का नहीं पता। लकी बहुत बढ़िया बच्चे, पर बच्चे आपको समझ में आया कि नहीं आया? पीछे वाले क्वेश्चन में आप पूछ रहे थे ना बी वाली वैल्यू ए में भी ले सकते हैं। चलो सर दूसरा तो इसमें नंबर आपको दिया हुआ है 5, 4, 3, 2, 4, 7, x, 9, 6, 8, y तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिएगी सबसे पहले। नीलेश नमस्कार बच्चे, तो सबसे पहले आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिएगी, तभी आप निकाल पाओगे 4x + 5y। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमें, ये 90 से भाग होना चाहिए। अब ये 90 से भाग होना चाहिए तो को प्राइम नंबर, को प्राइम क्या होते हैं, सह अभाज्य, यानी जिनमें दो नंबर्स में एक को छोड़कर बाकी कुछ भी कॉमन ना हो, तो हमने लिख लिया ये हो जाएगा जी 9 × 10। प्राइम नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं यहां पर, मैं ये कह रहा हूं कि जी को प्राइम नंबर लेने हैं आपको। ठीक है, को प्राइम नंबर यानी दोनों में कुछ भी एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। अब आपको पता है कि जी संख्या क्या होनी चाहिए, 9 से भी भाग होनी चाहिए और 10 से भी भाग होनी चाहिए, तो 10 से भाग होने के लिए हमें कंडीशन पता है कि जी लास्ट में 0 होनी चाहिए, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, y तो हमें मिल गया 0। अब y 0 मिल गया तो x मिलने में भी कोई मुश्किल नहीं है, 9 से भाग होनी चाहिए तो जहां पर भी हम डिजिटल सम करेंगे, जहां पर 9 या 9 का मल्टीपल हो जाएगा उसको काट देंगे, 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, ये तो है ही 0, तो ये क्या हुआ, 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, 3 + x हो जाएगा। तो x की वैल्यू, अब इसकी टोटल कितनी हो जानी चाहिए, 9 हो जानी चाहिए ना, तो x की वैल्यू क्या रखें, 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 6, y की वैल्यू मिल गई 0। आपको बताना है 4x + 5y। बहुत बढ़िया बच्चे, 4x + 5y, तो x की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 × 6 = 24 और y की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा बच्चे, लक्की पारल बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो, x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 5, 6, 5, 6, x, 5, 2, 72 से विभाज्य है, डिविजिबल बाय 72। ठीक है, ये बताना है आपको, तरीका वही है, अप्रोच नहीं है, बस क्वेश्चन भी नए हैं। या ऐसा है कि क्वेश्चन वही, अप्रोच नहीं। 24 सभी का आ रहा है पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर, बहुत बढ़िया बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर करो। नंबर दिया हुआ है आपको 5, 6, 5, 6, x, 5, 2, डिवाइड होना चाहिए किससे, 72 से, 72 से।
ऑप्शन है आपके पास 5, 4, 7, 8। एक्स का मान आपको बताना है, वैल्यू ऑफ एक्स। चलो देखो क्या कहता है क्वेश्चन। अगर 72 से डिवाइड करना है तो 2 को प्राइम नंबर यानी 8 नहीं 72 होता है, यानी नंबर डिवाइड होना चाहिए किससे, 8 से और 9 से। किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए 9 से। तो सबसे पहले हम 9 से देख लेते हैं। 9 से देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जी सम कहां पर हो रहा है। तो 11, 11 का 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का 4, 4 और 5 9, ठीक है। बच गया 2, तो 2 प्लस एक्स, यानी अगर 9 से डिवाइड होगा तो 7 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब 7 आना चाहिए, तो 7 रखने पर क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 यहाँ पर रख के देख लेते हैं। यहाँ पर 7 रखोगे 7, 5, 2 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे, 8 नहीं 72 होता है, 3 बचेगा, 8 चौके 32 होता है, पूरा पूरा भाग हो रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई जी। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है नीलेश, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। आज कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन खत्म कर लें हम, ताकि नेक्स्ट चैप्टर कल हम स्टार्ट कर पाए। हर प्रभ x का मान क्या होगा अगर 7 अंकों की संख्या आपको दी हुई है, 9, 1, 8, 7, 6, x2, और वही 72 से डिवाइड होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक 9 अंकीय संख्या 985x3678y अगर 72 से विभाज्य है तो 4x-3y क्या होगा, ये क्वेश्चन देखो। डिवाइड किससे करना है, 72 से, ठीक है। यानी 72 का मतलब क्या है कि 8 से भी होनी चाहिए, 9 से भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे 7, 8, और इसकी जगह क्या रखें कि वो 8 से भाग हो जाए। सबसे पहले आप क्या रखोगे, 8 नहीं 72 होता है, ठीक है। यहाँ पर y की जगह कुछ भी रखना है आपको, आपको पता है 8 नहीं में 72 होता है, बचेगा 6। अब 6 वाली लाइन में 8 से भाग होने वाला तो एक ही नंबर होता है ना, कौन सा, 64। इसको 64 बनाने के लिए आप y को क्या रखोगे, y को 4 रखो, और अगर y को आपने 4 रखा है तो आपको y की वैल्यू मिल गई कितनी, 4। तो आप y की जगह क्या रख दोगे, 4 रख दोगे। अब आपको 9 से भाग होने वाले नंबर बनाना है इसको, तो आप डिजिटल सम करोगे, जहाँ पर 9 हो रहा है वो काट देंगे, ये हो जाएगा 9, कट गया, ये 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, 8, 7, 15, 15 का 6 हो जाएगा, और 6 और 8, 14, तो 5 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो टोटल डिजिटल सम कितना आया, 5, 5 प्लस में x करोगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 4 आ गई आपके पास, y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। x और y की वैल्यू आपको मिल गई, आपको निकालना क्या था, 4x-3y। राजपाल नमस्कार बच्चे, गुड मॉर्निंग। सौम्या नमस्कार। x की वैल्यू आप रखोगे 4 चौके 16 हो जाएगा, y की वैल्यू रखोगे 12 हो जाएगा, माइनस करोगे 4 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। इफ ए 9 डिजिट नंबर 389 x 6378 y इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 7y रूट ऑफ 6x प्लस 7y विल बी। ठीक है, फोर इंटू फोर माइनस थ्री इंटू फोर। ओके राज, बच्चे क्लास में लेट मत हुआ करो, 12 बजे तैयार रहा करो, 12 बजे के बाद यानी 12:05 12:10 कभी भी क्लास स्टार्ट हो सकती है, लेकिन मैथ की क्लास आपकी होगी। ठीक है, पहले कोई क्लास हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता होता, मैथ की क्लास आपकी डेली होती है और डेली होगी। सौम्या बच्चे नहीं हुई इससे पहले क्लास, हिंदी इंग्लिश की क्लास नहीं हुई। ठीक है, सबसे पहले 7 कमेंट कर चुके हो, अब होती तो मिलती ना क्लास वहां पर। डिवाइड किसने किस नंबर से करना है, 72 से, तो वही होगा 8 और 9 से होना चाहिए। ए आंसर, बहुत बढ़िया बच्चे, तो वही नंबर है 7, 8 और y, आप y का नंबर आपको पता लगाना है, तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 नीम 72 6 बचेगा, 6 वाली लाइन में एक ही नंबर होता है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की निकालनी है तो x की यहां से आप निकाल लोगे, ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, यहाँ पर 4 रखा है तो 8 और 4 12 और 12 और 7 19, 19 का हो गया 10, तो 10 का 1 होता है। ठीक है, तो ये कट गया और ये 9 हो जाएगा तो 3 बचेगा, 3 प्लस x आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू है आपके पास 6, y की वैल्यू है आपके पास 4, तो आपको निकालना है रूट ऑफ 6x प्लस 7y। x की वैल्यू कितनी है, 6 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, 36। y की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 28। टोटल हुआ 64 रूट करोगे आ जाएगा जी 8। ए आंसर आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, डिजिटल सम कैसे करते हैं ये चीज़ें मैं अब नहीं बताऊंगा, अब हम सीधा इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, चीज़ों को करते कैसे, हमने क्वेश्चन भी किए थे, तो अब आप बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर किया करो। 11 अंकों की आपको संख्या दे रखी है, 72 से विभाज्य आपको बताना है रूट ऑफ 5x प्लस 8y क्या होगा। फाइव सिक्स सेवन एट एक्स फोर थ्री टू सिक्स सेवन वाई भाग किससे हो रही है, 72 से, तो 8 और 9 आपको चाहिए वाई की वैल्यू पहले, तो 6 7 वाई 8 से डिवाइड करना है, 8 2 8 64 यहाँ से 3 जो बच रहा है, तो अब 3 वाली लाइन में तो एक ही नंबर बनता है ना, जो 8 से भागो, 4 बचता तो हम देखते कि जी 48 बनता है और 40 भी बनता है, 2 पॉसिबल नंबर हो जाते हैं, लेकिन बच कितना आ रहा है, 3, तो 3 वाले में तो 32 ही होता है, तो y की वैल्यू कितनी लेंगे, y की वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू हमने 2 रख दी, 2 रखने के बाद में अब x की वैल्यू 9 से डिवाइड होने वाला नंबर बनाना है इसको, तो उसके हिसाब से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, इसके बाद में 7 और 2 9 हो गया, ये 6 और 4 10 8 और 1 9। ठीक है, बचा क्या, x प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी रखें कि 9 हो जाए, 4 रख देते हैं, तो
हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो हमें रखनी है वैल्यू। एक्स की वैल्यू 4 है, 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस में वाई की वैल्यू 2 है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। रूट करोगे 36 का रूट होता है जी 6, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, निकल रहे हैं ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन, सेकेंडों में आंसर मिल रहे हैं आपको। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो यही चीज़ें हमें सीखनी थी, हमें एग्ज़ाम में टाइम बचाना है। ठीक है, टाइम बचेगा तो हम एग्ज़ाम को दोबारा भी देख पाएंगे। एग्ज़ाम किनका क्लियर होता है, जो पूरे एग्ज़ाम को देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन हैं बच्चे, और अगर 100 क्वेश्चन में से आपने 90 ही क्वेश्चन देखे, तो आपने वही क्वेश्चन किए ना जो 90 में से आपको आते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपने 100 के 100 क्वेश्चन किए होते तो उसमें से 4 से 5, जो 10 क्वेश्चन बच गए, उसमें से 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होते जो आपको बिल्कुल सही आते थे। ठीक है, क्योंकि पेपर कैसे बनता है, पेपर बनता है 60% ईजी, 20% मॉडरेट लेवल बनता है, और 20% हार्ड बनता है। तो हर 10 क्वेश्चन के पीछे 6 क्वेश्चन तो इजी रहते हैं ना। अगर 50% भी इजी बनाया होगा तो 10 क्वेश्चन के पीछे 5 क्वेश्चन तो इजी रहेंगे। तो अगर आपने 5 क्वेश्चन इजी वाले छोड़ दिए ना, फिर तो आप तो कंपटीशन से बाहर ही हो गए ना, क्योंकि हर बच्चे ने वो 5 क्वेश्चन तो किए हैं। और अगर आपने नहीं किए तो आप तो कंपटीशन से बाहर हो गए। तो सबसे पहला खेल है आपका टाइम का, हमें टाइम रहते हुए पेपर करना है। आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको पेपर वो करना चाहिए जो आपको अच्छे से आता है, जल्दी जल्दी पेपर में से निकलो। ठीक है, दूसरी बार जो आपको 50-50 पता है कि हमें ये दो ऑप्शन तो इसके आंसर नहीं होंगे और ये दो ऑप्शन में से एक होता है, हो सकता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन करने चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपका वो क्वेश्चन नहीं रहेगा पेपर में जो आपको डेफिनेटली आता है, जो सही से आपको आता है। ठीक है, आप लगे रहते हो पहले से 100 तक हमें तो लगातार ही करने हैं, तो फिर आप गलत करने वाले क्वेश्चन भी कराते हो और जो सही करने थे वो छोड़ आते हो। तो ऐसा नहीं करना, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन वो आ नहीं रहा होता है आपको, आप फिर भी उसमें लगे रहते हो, 2 मिनट खराब करोगे तो 2 क्वेश्चन का टाइम और गया ना। ठीक है, तो उस टाइम को बचाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम में कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, आपको कौन सा क्वेश्चन आता है वो करना है, जो नहीं आता वो छोड़ना है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन स्किप करना आता है कि नहीं आता, वो आपका पेपर क्लियर करवाता है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूरी है, हम प्रैक्टिस सेट जब भी लगाते हैं तो हमें यही चीज़ें सीखने को मिलती है कि अगर हमने इस क्वेश्चन को छोड़ा होता तो इतना टाइम हमारे पास बच जाता और आगे वाला क्वेश्चन हम कर पाते। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में ज़रूरी है। ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। यदि 10 अंकों की कोई संख्या है 72 से विभाज्य है, 5x-4y का मान क्या होगा। दस अंकों की संख्या है 5, 4, 3, 2 वाई 7, 4 एक्स। 72 से विभाज्य आपको बताना है 5x-4y, डिविजिबल बाय 72, यानी आप कहोगे कि 8 से होनी चाहिए, 9 से होनी चाहिए। 8 से होने के लिए तीनों नंबर आप उठा लोगे, 4, 9, x। ठीक है, 8 से भाग करोगे, 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ से एक बचा। ठीक है, और अब एक यानी 11 वाली लाइन में, 10 के बाद 11 वाली लाइन जो शुरू होती है उसमें एक ही नंबर होता है जो पूरा पूरा भाग होता है, किससे, 8 से। ठीक है, 8 से पूरा पूरा भाग होता है, वो होता है 16। तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 6 रखनी पड़ेगी। y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 6 रख दो,
वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपने काट दिया, ये नौ कट जाएगा, पाँच और चार नौ हो जाएगा, छः और तीन नौ हो जाएगा, सात और दो नौ हो जाएगा, चार और एक पाँच बचा, तो पाँच प्लस में वाई हो गया। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू चार आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास छः थी, तो एक्स की वैल्यू छः रखोगे ये हो जाएगा तीस, वाई की वैल्यू चार रखोगे ये हो जाएगा सोलह, आंसर कितना आ जाएगा चौदह। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहते हैं। यदि 10 अंकों की संख्या बेहतर से विभाज्य है तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x plus y का मान क्या है। y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए, ठीक है, तो आप बनाओगे पेयर x और y के। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 10 अंकों की आपको संख्या दी हुई है। इफ द 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x plus y फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि एक में x दे रखा था आपको कि वो ऑड नंबर होगा, तो हमने सारे ऑड नंबर लिए थे, उसमें हमें पता चला कि कौन सा नंबर आ सकता है और उनका हमने सम कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पर आपको देखना है कि जी y की ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आ सकती है। ठीक है, y की ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आ सकती है। चलो, नंबर है आपके पास 89। सेवन थ्री फाइव नाइन वाई सेवन एक्स टू, ये नंबर दिया हुआ है आपको। आपको पता है कि जी अगर 72 से डिवाइड हो रही है तो 8 और 9 दोनों से होगी, तो लास्ट के तीन नंबर उठाते हैं 7x2, 8 से डिवाइड करते हैं। हमें पता है कि जी लास्ट वाला जो नंबर है ना, ये क्या है, 2 है, तो 8 के पूरे पहाड़े में 2 कहाँ कहाँ पर आता है, तो 8 चूंकि 32 में आता है, 8 नीम 72 में आता है। ठीक है, यानी इससे आगे या तो तीन बचना चाहिए या कितना बचना चाहिए, सात बचना चाहिए। तो तीन बचाने के लिए आप इस नंबर को क्या लोगे, तो आपको पता है सात वाली लाइन में अगर इसको जीरो रख देता हूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, 64 तक जाएगा, छः बचेगा, फिर दो आएगा आगे, पूरा भाग नहीं हो सकता। लेकिन मैं अगर एक्स की वैल्यू एक रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या रख दूँ, एक रख दूं, तो ये 71 होगा, सात बचेगा, कितना बचेगा, सात बचेगा, और सात बचने के बाद ये 72 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग हो रहा है, यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है, एक हो सकती है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू मैं दो रखूं, इसी तरह आप रख के देखोगे तो दो रखोगे फिर तो आगे दो ही बच रहा है, यानी अब क्या रख सकते हैं, अब इसको 32 बना सकते हैं। इसकी वैल्यू मैं 5 रखूं, 8 नीम 72 होता है, तो x की वैल्यू हमने 5 रखी तो 3 बचा, 32 हो गया, पूरा कट जाएगा। और क्या रख सकते हैं, अगर इसको मैं 79 कर देता हूं, 89 कर देता हूं, तो 8 नीम 72 7 बचेगा, आगे भी 72 पर कट जाएगा, तो और क्या रखा जा सकता है, इसको 9 रखा जा सकता है। ठीक है, यानी x की वैल्यू आपके पास हो सकती है 1, 5 और 9। अब हम क्या करेंगे, इस x को छोड़ दो एक बार, y हमारे पास है ही नहीं, बाकी का डिजिटल सम करते हैं, 7 और दोनों 9 और ये 9 पर कटेगा, ये 7 और 3 10 हुआ, 1 हो गया, 6 हो गया, 8 और 6 14 का 5 हो गया, यानी हमारे पास आ रहा है 5 प्लस y प्लस एक्स। अब y की हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो आप यहां से देखोगे कि जी यहां से हमें मिल रहा है 5 और 1 6, तो y कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए।
पांच और पांच दस, अब दस तो हो गया ना, आगे वाला नंबर आने के लिए हमें वाई कितना चाहिए, तो दूसरा मल्टीपल क्या होता है, अट्ठारह होता है, अठारह होता है तो पांच और पांच दस, और वाई की वैल्यू क्या लेंगे, आठ लेंगे, ठीक है, तो आठ वैल्यू लेंगे। नहीं, आप ये भी कह सकते हो कि जी पांच और पांच दस, डिजिटल सम हुआ एक, तो एक प्लस में आठ ही होगा ना, नौ, ठीक है। और अब ये कितना हो गया, पांच और चार, नौ और पांच चौदह, तो चौदह का डिजिटल सम पांच, यानी वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, चार। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू वाई की है आठ। आप कहोगे ये पेयर उठाएंगे और वैल्यू निकाल देंगे, तो कितना है आपको, थ्री एक्स प्लस वाई रखना है, तो आठ तीय कितना हुआ, चौबीस, और प्लस पाँच, टोटल कितना आया, उनतीस। ऑप्शंस को काट देना, ऑप्शंस गलत हैं सारे, आंसर आएगा आपका उनतीस, ठीक है। गलती से दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ पर लिखे गए होंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा, 29 आएगा, ठीक है। लेकिन आपका टारगेट होता है कि हमें आंसर किस में से करना है, ऑप्शन में से ही करना है ना, कर रहे हैं बच्चे, कोई सी ऑप्शन लिख रहा है, कोई आठ लिख रहा है, कोई पाँच लिख रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 29 होगा बच्चे, क्यों, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू उठानी है, किसकी, तो आप कहोगे कि जी हम ग्रेटेस्ट वैल्यू उठाएंगे वाई की, तो वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, आठ आ रही है, एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, पाँच आ रही है, तो आपने एक्स और वाई की, जब ये आठ होगा तो ये पाँच हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास कंडीशन एक ही थी कि वाई की होनी चाहिए, तो ये आठ और पाँच आपने रखा, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है, इंग्लिश वाले के नीचे जो हिंदी वाली लाइन लिखी हुई है ना, उसको काट देना, बाकी क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ओके बच्चे। फिर कुछ ने वैसे कर दिया होगा ना कि ठीक है, इन ऑप्शन में से ही करना है, कोई ना बच्चे, फल बहुत बढ़िया। x के किस मान के लिए सात अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है, तो ये है 11 से विभाज्य आपको बताना है, 11 की मैंने अप्रोच बताई थी कि क्या होती है और क्या अप्रोच आपको लगानी है। चलो कैसे लग रहे हैं अभी क्वेश्चन, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने कहा था बीच में कि वो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना, तो दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट जरूर करना, जब ये वीडियो आपको अपलोडेड वीडियो मिले उस टाइम, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पर कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है, क्योंकि वो कमेंट मैं देखता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आंसर वहाँ पर ऑप्शन जो भी आपका कोई भी इशू आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में जब भी वीडियो स्टार्ट होगी मैं आपका उसका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन है या और कोई इशू है आप वहाँ पर कमेंट कर दिया करो, वो कमेंट में दे दूँगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।